सोए बच्चों, ऐसे डिस्कशन अ फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एट अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर. कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 mm डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, सो अगर हमें बेटा यहाँ से चेंज इन एरिया निकालना हो, तो अब हम अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बेटे, तो आप लोग कैसे बात करेंगे कि जो वर्क डन होता है बेटे क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होता है, राइट. अब चेंज इन एरिया में क्या है बेटे, देखो ये पहले सरफेस इतना था, बाद में सरफेस इतना हुआ, तो सरफेस का चेंज कितना है बेटे, अपने को पॉइंट सेपरेशन कितना करना है बेटे अपने को, तो हाँ तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन टू रिक्वायर इंक्रीज द सेपरेशन बाय 1 mm डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो दो वायर्स हैं, दो वायर्स हमने कितने कितने के, दो वायर्स हमने को दे दिए हैं, और हमें बेटे क्या कर देना है इसमें, अगर हमें दो वायर दिए तो सरफेस टेंशन सबसे पहली बार पहले सरफेस टेंशन बेटे कितना दिया अपने को, 72 × 10⁻²⁻³ दे दिया है. डेल्टा एक जहां बेटे हम 2 डेल्टा है, क्योंकि भाई फिल्म है, फिल्म के बेटे दो एरियाज होते हैं. अब हमें एरिया के यहाँ पर बेटे अपने को क्या लगाना है, तो पहली बार बेटे क्या है 10 सेंटीमीटर बेटे एक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर बेटे सब कुछ अपने को न्यूटन के फॉर्म में दिया था, तो 10 सेंटीमीटर को भी हम क्या लिखते हैं बेटे, या तो फिर हम इसको लिखते हैं बेटे क्या लिखते हैं, एक मिनट, तो 10 सेंटीमीटर को बेटे हम क्या लिखते थे, 10 × 10⁻²⁻ ये हो गया. अपने को सेपरेशन कितना इंक्रीज करना है बेटे 1 mm, तो हम क्या लिख देंगे बेटे, 1 × 10⁻³ इतना लिख देंगे, राइट. तो इतना सरफेस टेंशन था इंटू 2 × एरिया लिखेंगे, क्योंकि बेटे 2 × एरिया ही क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अपने फिल्म के दो एरिया होते हैं. तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो बेटे हमारा आंसर 1.44 × 10⁻⁵ जूल्स आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट.